नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फाइनली भारत के अंदर जब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हुआ था उस टाइम से आज के टाइम तक 100 करोड़ ऐसे मोबाइल नंबर पोर्ट किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2011 साल के अंदर मेनली मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी 2024 साल यहाँ पर हुआ है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 13 साल हुआ है और 13 साल के अंदर 100 करोड़ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यहाँ पर किया जा चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या है, किस कारण से गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया, किस तरीके से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, आपको क्या फ़ायदा होंगे और क्यों लोग इतना ज़्यादा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा रहे हैं। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का जो सिस्टम है ये सबसे पहले 2010 साल के अंदर हरियाणा के ऊपर स्टार्ट किया गया था। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करता हूँ वो है 25 नवंबर 2010। उसके बाद पूरे भारत के अंदर 20 जनवरी 2011 के अंदर पूरे भारत के अंदर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को चालू कर दिया गया था। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी चालू क्यों किया गया गवर्नमेंट की तरफ से? नॉर्मली पहले जब आप मोबाइल फोन को यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल की सिम कार्ड यूज़ करते हैं लेकिन आपके एरिया के अंदर एयरटेल का मतलब सिग्नल जो वो अच्छा नहीं है, तो जो भी आप यहाँ पर एयरटेल की सिम कार्ड लिए हैं तो उसके एक पर्टिकुलर नंबर है, लेकिन आपके एरिया के अंदर तब रिलायंस का काफ़ी बढ़िया हो सकता है कि सिग्नल था, तो आपने चाहा कि रिलायंस के सिम कार्ड जो है वो उसके ऊपर शिफ्ट किया जाए, लेकिन शिफ्ट करने का तब कोई प्रोसेस नहीं था, आपको एक नया रिलायंस के सिम कार्ड खरीदना होता था। तब एयरटेल के जो सिम कार्ड आपके एग्जिस्टिंग है वो सिम कार्ड को मतलब यूज़ ना करके आपको एक नया सिम कार्ड लेना होता था, तो इस तरीके से काम में आते थे। जो पुराने वाले नंबर है वो नंबर मतलब लैप्स हो जाता था, वो नंबर कोई काम का नहीं होता था, कुछ दिन पहले वही नंबर को किसी दूसरे को दे दिया जाता, तो इससे काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाते थे। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई नंबर एक यूज़ कर रहे हैं उसके बाद उस नंबर को अगर आप यूज़ करना बंद कर देते हैं 3-4 महीने के बाद वो किसी अगर दूसरे को एलोकेट किया जाता है तो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो उसी नंबर पर कॉल करेंगे, तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते थे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते थे। तो इसी कारण से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 2009 साल के अंदर एक नया रूल को यहाँ पर पास किया गया, जिस रूल के अंदर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है वो सेम रख के सिंपली ऑपरेटर को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एयरटेल के ग्राहक है, एयरटेल के आपके पास एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है, आपके एरिया के अंदर एयरटेल का सर्विस खराब हो गया, आप जियो के ऊपर पोर्ट करना चाहते हैं, नंबर आपके सेम रहेंगे, सिंपली ऑपरेटर एयरटेल से आप जियो के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अभी आप किस तरीके से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाएंगे, सिंपली आपके मोबाइल फोन के जो राइट मैसेज ऑप्शन वहां पर आप जाइए, वहां पर जाने के बाद कैपिटल पर POR लिखिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए और इसे आप 1900 पर सेंड कर लीजिए। इसके लिए आपको SMS बैलेंस रहना होगा, अगर SMS बैलेंस नहीं भी है तो आपके मेन बैलेंस से 2 रुपए चार्ज यहां पर कटेंगे और कुछ ही देर के अंदर आपके पास एक 1901 से SMS बैक आएंगे। उसके अंदर एक UPC कोड यानी यूनिक पोर्टिंग कोड लिखा हुआ होगा, जिस UPC कोड को लेकर आपको नजदीकी रिटेलर के पास जाना होगा, नजदीकी दुकान पर जाना होगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आप जो भी कंपनी के सिम कार्ड के ऊपर पोर्ट करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आप एक नया सिम कार्ड लिया है और वो सिम कार्ड 90 दिन नहीं हुआ है, मतलब 90 दिन के अंदर ही आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का अगर रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। उसी के साथ अगर आप फॉर एग्जाम्पल एयरटेल से जियो के अंदर पोर्ट करवाए, वो भी 90 दिन जियो के अंदर आप नहीं रहे, आप वोडाफोन आईडिया के ऊपर पोर्ट करवाना चाहते हैं तो भी नहीं होंगे, तो मिनिमम एक 90 दिन का लॉक इन पीरियड है, जो भी कंपनी के ऊपर आप यहाँ पर शिफ्ट करें वहाँ पर मिनिमम आपको 90 दिन रहना होगा। तो ये था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस और रूल्स। दोस्तों, ये जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है हर महीने ऑन एन एवरेज 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो वो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को करवा रहे हैं। पिछले 3 साल के अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो उस जगह के अंदर हर महीने बहुत सारे लोग जो वो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है कि उनके एग्जिस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सबसे बढ़िया ऑफर प्रोवाइड नहीं करते, सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, इसी कारण से वो नेटवर्क को स्विच कर रहे हैं, जिस कारण से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सबसे पहले जब इसे लॉन्च किया गया था तब ये मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्या होते हैं। अभी के टाइम के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले जब 2011 साल के अंदर MNP को लॉन्च किया गया था वो सिंपली सर्कल के अंदर ही लॉन्च किया गया था। फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल के अंदर रहते हैं, दिल्ली सर्कल के अंदर रहते हैं, तो आप जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाएंगे किसी दूसरे सिम कार्ड के ऊपर तो आपके जो सिम कार्ड है वो दिल्ली सर्कल से ही लेना चाहिए। लेकिन 2015 साल के अंदर ट्राई की तरफ से इस नियम का चेंज किया गया, जहां पर भारत के अंदर आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा सकते हैं। तो इस तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहां पर डाला गया। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल्स यहां पर बता दिया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
क्या है, और अभी तक 100 करोड़ लोग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को करवा चुके हैं, यानी 1 बिलियन लोग जो है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को करवा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों, क्या आप कभी भी अपने मोबाइल सिम कार्ड को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाए हैं? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे कुछ मांगा तो कैसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।